सोलन के समीप देहू घाट में स्थित श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के प्राचीन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला कमेटी द्वारा हर्षोल्लास के साथ मेले का आयोजन किया गया। मेले में जहां कुश्ती प्रेमियों के लिए विशाल दंगल का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, वहीं बच्चों और महिलाओं ने भी जमकर खरीदारी की। मेला कमेटी द्वारा विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के करीब 100 से अधिक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी परंपराओं और संस्कृति के संवर्धन में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों मेले और त्योहार हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। सभी मेलों का संबंध देवी देवताओं से है, जिसके चलते लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मेलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि मेलों में आने से लोगों में आपसी सौहार्द, भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी सोलन और आसपास की पंचायतों के लोगों का कुल देव है और बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। ये मेला ज्येष्ठ रविवार को मनाया जाता है, इसलिए मेले में सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर बाबा जी का आशीर्वाद लेने भी पहुँचते हैं। इस मौके पर मेला कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बाबा बालकनाथ जी के प्राचीन स्थान के ऊपर आने का सौभाग्य मिला। ये स्थान हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसमें सरकार की तरफ से इस मेले को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए यहाँ व्यवस्थाएं ठीक हों, श्रद्धालुओं को सुविधाएँ मिलें, उस नाते और यहाँ की जो संचालन समिति है उनके साथ बैठ करके परामर्श करके किस प्रकार से हम और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, उनके साथ विचार करके उस पर हम काम करेंगे। और ये मेले जो हैं किसी न किसी धार्मिक और आध्यात्मिक कारण से भी जुड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति का प्रदर्शन भी जो है इन मेलों के माध्यम से और हमारी आस्था का भी जो है वो अपने इष्ट देव के प्रति, इष्ट देवी के प्रति आस्था भाव भी जो है प्रकट करने का जो है हमें जो है वो अवसर मिलता है।